हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जी, सोमवार का दिन है और टाइम हो रहा है सुबह के, जो है 9 बजे हैं अभी। और टाइम काम जो है काफ़ी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है पूरी तरह से, कुछ काम रहता है। बस कपड़े वगैरह मैंने धो लिए हैं और वो मैंने दूसरे चैनल के व्लॉग में डाल भी दिया है, और आप चाहें तो जाकर देख भी सकते हैं। मैंने सेकेंड चैनल का व्लॉग भी अपना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जी, यहाँ पर देखिए मैं लगा रही हूँ झाड़ू। साफ़ सफ़ाई का काम अभी रहता है, झाड़ू और पोछे का। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद बारी आती है पोछे की, क्योंकि आज सोमवार है, हमें जाना है कहीं, तो इसलिए मैंने काम जो है थोड़ा जल्दी जल्दी किया था। और यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफ़ाई लगे हाथ में करती रहती हूँ, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से जो है ना साफ़ सफ़ाई दिखती रहती है। तो अलमीरा वगैरह पे जैसे तो धूल वगैरह हो तो साथ के साथ ही साफ़ कर लेती हूँ। तो जी, यहाँ पर लगा रही थी पोछा। पोछा लगाने में करीब 10-15 मिनट लग ही जाते हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं वाइपर से नहीं लगाती हूँ। आप सबको पता ही है कि मैं हमेशा पोछा हमेशा अपने हाथ से ही लगाती हूँ, और वाइपर से लगाने में मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मुझे नहीं लग पाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा ही पोछे ही हाथ से ही लगाती हूँ। तो आज जाने का प्लान था, क्योंकि पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो हमें वहाँ पर जाना है, तो हमें उनको देखने के लिए जाना है। तो ये बोल रहे थे कि जल्दी से काम कर लो, तो हम जाएंगे। और उसी की तैयारी में मैंने जल्दी जल्दी सुबह काम भी किया था, जल्दी जल्दी सुबह ही मशीन लगा दी थी। बच्चों को स्कूल भेज दिया है, दोनों को, उर्वी काव्या दोनों को मैंने स्कूल में भेज दिया है। और इनका तो ऑफ़ रहता ही है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट में है, तो इनकी मंडे को ऑफ़ रहता है, तो इनकी छुट्टी थी आज। तो हम लोगों ने वैसे भी कुछ काम आज था नहीं बाहर, या फिर एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट वगैरह का काम जैसे मंडे को होता है तो वो मैं निपटा देती हूँ, लेकिन आज ऐसा कोई काम था नहीं। तो मैंने बोल दिया था कि हाँ चल रहे हैं देखने, क्योंकि पापा की तबीयत कई दिनों से ही ख़राब थी। तो आज एक काम था कि डस्टबिन खाली हुआ था, तो जिस दिन भी डस्टबिन जो है खाली होता है तो मैं उसको धो धा के आराम से अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ ना, क्योंकि इससे क्या होता है कि फिर इसमें दोबारा से पॉलीथीन कवर मैं लगा देती हूँ, तो फिर उसके बाद इसको अच्छे से सुखा के तब इसमें पॉलीथीन वगैरह दूसरा मैं इसमें लगाती हूँ। तो इससे इसमें ना तो बदबू वगैरह कुछ नहीं होती है और साफ़ भी रहता है। तो जी, यहाँ पर मेरा काम वगैरह सब ख़त्म हो गया था और मैं यहाँ पर हो गई थी रेडी, और धैर्य को भी अभी नहीं किया है रेडी, बस नहलाया था इसे, लेकिन कपड़े इसे दूसरे पहना दिए थे, अभी इसको दूसरे चेंज कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं हो रही थी रेडी, और थोड़ा हल्का फुल्का जो मेकअप होता है तो वो तो करके, जो नॉर्मली मेकअप होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आज करेंगे, तो इतना भी नहीं कि ज़्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत। तो सर भी धोया था, क्योंकि इतने दिनों से वैसे भी पानी नहीं आ रहा था ना, तो समरसिबल के पानी से सर भी नहीं धुला था कुछ दिनों से, तो आज मैंने सर भी धोया था। और मेरा ड्रायर भी जो है ख़राब हो गया है, तो फूक गया है वो, तो इसलिए बाल तो ऐसे ही सुखाने, टाइम है, सूख ही जाएंगे बाल जल्दी से ही। और यहाँ पर हम हो गए थे निकलने के लिए रेडी, और जल्दी जल्दी निकलेंगे तो जल्दी ही आएँगे, क्योंकि बच्चों के स्कूल आने से पहले हमें आना भी है। अगर नहीं भी आ पाए तो कोई बात नहीं, वैसे
घर में उनकी थोड़ी केयर करने के लिए हैं उनकी चाची दादी वगैरह, लेकिन फिर भी जो है ना आना तो है ही, क्योंकि शाम का काम भी एक्स्ट्रा जो है हो जाता है। तो उसके आने के बाद फिर बहुत सारे काम है, मार्केट से थोड़ा सा सामान भी लाना है और ये थोड़ा बहुत घर का सामान सौदा जो है वो भी लेकर आना है, साग सब्जी वगैरह। तो जी यहाँ पर हम हो गए हैं रेडी और शाम तक देखिए आ जाते हैं। शाम को होते होते ये देखिए हम लोग आ गए थे, करीब हम आए थे 6 6 साढ़े 6 बजे के बाद ही आए थे। और ये देखिए ये जो मयूर जग है ये हम लेकर आए हैं, क्योंकि मेरा मयूर जग जो है ना टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है। और ये मैं मिल्टन का मयूर जग 10 लीटर का जो है लेकर आई हूँ, ये करीब मुझे 650 में मिला है। और ये देखिए ये पहला वाला मयूर जग है, पूरा टूट गया था, डैमेज हो गया था बिल्कुल, तो इसलिए जो है ना ये मुझे लाना ज़रूरी था और इसीलिए आज ये लेकर आना ही था। आज इसका टाइम आ ही गया था लेकर आने का, बहुत दिनों से सोच रही थी कि इसे लेकर आऊँगी। और यहाँ पर देखिए मंडे की मार्केट से लेकर आ गए हैं ये सब्जी, मैं तो लेने जाती नहीं हूँ, यही लेने जाते हैं क्योंकि धैर्य जो है मेरे साथ जाने के लिए ज़िद्द करता है। तो यहाँ पर देखिए ये लेकर आए थे सब्जी, तो सारी सब्जियों को मैं धो के फ्रिज में आराम से रख दूँगी और ये साथ के साथ मेरा काम भी जो है निमट जाएगा, क्योंकि सुबह के लिए एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है फिर, नहीं तो इसलिए इन सब कामों को मैं जो है अभी निपटा के रख दूँगी। और खाने में जो है बनाए थे बस मटर के चावल ही, नमकीन चावल ऐसे ही बनाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी और काम भी आके बहुत बढ़ गया था, तो इसलिए जो है ना और कुछ बनाने की हिम्मत नहीं थी, बस चावल ही बनाए थे। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, हम लोग खा रहे हैं। खाना वगैरह सब हो गया है, अब आ गई है बारी बर्तन साफ़ करने की। तो वैसे भी जब कहीं से आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा थकान सी हो जाती है और काम जो है उस दिन थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ भी लगता है, तो थोड़ी दिक्कत भी होती है, लेकिन पर करना तो है ही, ये रोज़ का काम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही जाती है। और वहाँ पर भी पापा की तबीयत जो है बिल्कुल अच्छे से ठीक नहीं है अभी, क्योंकि मेरे पापा बहुत महीनों से बीमार हैं, तो इसी वजह से उनको थोड़ी सी टेंशन भी रहती है उनकी तरफ से कि पता नहीं क्या होगा। हमने बहुत बार डॉक्टर को दिखाया भी है, कुछ नहीं है, लेकिन बस कुछ नहीं, बस कमज़ोरी बताते हैं और खाना पीना उनसे अच्छे से नहीं हो पाता है। तो बस यही है कि वैसे एज तो है ही उनकी, ज़्यादा नहीं है, 70 75 साल के तो हैं ही, लेकिन फिर भी नहीं 60 या 65 के ऐसे ही होंगे, कुछ 65 70 साल के होंगे, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो पर फिर भी जो है ना लगता ही है कि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं और बैठे रहें तो और भी अच्छा रहता है, तो इसीलिए ना बस थोड़ी सी टेंशन होने की वजह से रहती है। और देखकर आ जाते हैं ना तो थोड़ी संतुष्टि सी हो जाती है कि हाँ देखकर आ गए हैं, तो थोड़ा सुकून मिल गया है कि हाँ ठीक है। तो कभी कभी मैं 15 दिन में चली ही जाती हूँ देखने। तो जी यहाँ पर मेरे सारे काम फिनिश हो गए हैं, मैंने गैस वगैरह सब साफ़ करके रख दी है और सुबह मुझे क्या बनाना है इसकी भी मैंने तैयारी करके रख दी है, और मुझे क्या डिसाइड करके रख दिया है मुझे क्या बनाना है। तो फाइनली काम बस यही रहता था कि दूध गर्म करना था, तो बस दूध गर्म हो गया था, दूध उबाल के रख दिया था, दूध को उबालने में ही टाइम लग रहा था और मुझे बस यही लग रहा था कि कब ये उबले और कब मैं जाकर जो है लेटूँ। और इतने बच्चे जो हैं अच्छे से खेल कूद रहे थे, तो इतने भी देर में धैर्य भी अभी नहीं सोया था। तो जी यहाँ पर मेरा दूध भी उबल गया था और अब बस ये फाइनली काम हो गया ख़त्म और उसके बाद जो है होगा सोना। तो जी साथ ही साथ करूँगी वीडियो का एंड, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिए, ताकि मेरी फर्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।